नमस्कार, आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। तो सबसे पहले आप इसके क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी वो आप नोट कर लें। इसके लिए मैंने इसमें ली हुई है सूजी। सूजी के बाद ये थोड़े से किशमिश, बादाम गार्निशिंग के लिए, थोड़ी सी इलायची, दूध लगभग 1 केजी दूध। ये मैंने एक कटोरी, आप देख सकते हैं एक कटोरी, ये ऐसी कटोरी से मैंने एक कटोरी मैंने सूजी ली है, तो उसमें लगभग 1 केजी दूध मैं डालूंगी। फिर मैंने थोड़े से नारियल का को ग्रेट करके रखा है वो लिया है। चीनी हाफ कटोरी, जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से आधी कटोरी चीनी। ये गुड़ का पाउडर है, भूरा बोलते हैं इसे, ये मैंने लिया हुआ है लगभग 1/4 कटोरी, 3/4 कप, कप और कटोरी जिससे भी आप मेज़र कर रहे हो सूजी, उस जिससे आपने मेज़र किया है, अगर 1 कप आपने लिया है सूजी तो 3/4 कप भूरा लेंगे और 1/2 कप चीनी लेंगे। एंड देन ये मैंने 2 कप, ये छोटे कप से 2 कप लगभग ये 200 ml होगा आपको घी, ये मैंने लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मुझे उसके लिए चाहिए, तो अब शुरू करते हैं बनाना। शुरू करते हैं, सबसे पहले पैन में घी डालेंगे, लगभग 1/2 कप जितना मैंने लिया है उसका 1/2 घी डाल देंगे। उसके बाद इसमें सूजी डाल के मैं इसको ब्राउन होने तक इसको भूनूंगी। ब्राउन करने के लिए आप तेज़ फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम आंच पे ही इसे भूनेंगे। अब हम बनाना शुरू करते हैं। पैन में घी डालने, लगभग 1/2 घी मैंने डाला है। 1/2 घी डालने के बाद मैं सूजी को ब्राउन होने तक रोस्ट करूंगी, भूनूंगी। जब ये ब्राउन हो जाएगा, इसे हमें मीडियम आंच पे ब्राउन करना है, तेज आंच पे ब्राउन नहीं करना। ये देखिए, ये सूजी हमारा भून चुका है, ये रोस्ट हो चुका है, कलर इसका चेंज हो गया है, ये ब्राउन हो गया है, हमें इतना ही ब्राउन चाहिए। अब इसके बाद इसमें मैं नारियल जो मैंने रखा हुआ था कद्दूकस करके, मैं वो डाल दूंगी। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आप नारियल पसंद करते हैं तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं नारियल को। अब इसे मैं 2 मिनट तक भूनूंगी। अब मैं इसे 2 मिनट तक भून ली हूँ। अब इसके बाद इसमें मैं जो शुगर है वो शुगर डालूंगी, ये शुगर 1/2 कटोरी, और गुड़ डालूंगी, गुड़ का पाउडर डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के तुरंत बाद इसमें मैं दूध डालूंगी। दूध मैंने आपको बताया था, ये लगभग 1 केजी दूध डालूंगी मैं। ये दूध, सारा दूध जो होता है वो सूजी एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए, मैंने लगभग 1 केजी दूध इसमें डाल दिया। अब इसे मैं धीमी आंच पे पकाऊंगी। ये देखें, ये दूध में उबाल आने लगा है और दूध की कंसिस्टेंसी सूजी के साथ मिलकर चेंज होने लगी है, ये गाढ़ा होने लगा है। अब इस टाइम में ही मैं इसमें किशमिश डाल दूंगी। किशमिश आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट कम और ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना होगा, मैं इतना डाल रही हूँ। और इस टाइम में ही मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ। आप इलायची के सीड्स निकाल के इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, या फिर आप साबुत इलायची डाल सकते हैं। बहुत बार पसंद नहीं आती किसी को, तो सिर्फ इसका फ्लेवर चला जाएगा। अब इसमें मैं इलायची डाल दूंगी और जब ये बन जाएगा तो उस इलायची को मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, ये सूजी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया, सूजी ने दूध को, ये सूख गया। आप इस टाइम में चलाते टाइम में थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे खोआ बनाते समय में, मावा बनाते समय में दूध ऊपर उड़ता है और हाथ जलने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है ये भी उड़ता है, तो इस टाइम में थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये देखिए, अब ये हलवा बिल्कुल सूख गया है और गुड़ की वजह, डालने की वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। अब मैं इस टाइम में, अब मैं घी डाल, जो बाकी घी था वो मैं इसमें डालूँगी।
और इसे मैं कम आंच पे लगभग 10 मिनट तक भूनूंगी। ये देखिए ये करीब 7 मिनट हो चुका है और ये साइड साइड से थोड़ा थोड़ा सा घी छोड़ने लगा है। मैं इसे और 3-4 मिनट कम फ्लेम पे इसे भूनूंगी। इस हलवे के होने का साइन ये है कि ये साइड से घी छोड़ दें। तो ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे, आपने टेम्परेचर कितना रखा हुआ है। मैं कम आंच पे कर रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब ये इस स्टेज पे इसको कम आंच पे ही पकाएं। ये देखिए ये हलवा साइड से घी छोड़ चुका है, तो इसका मतलब अब ये तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, मैं आपको सजेस्ट करेंगी कि जो गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स आप डालते हैं, बादाम या काजू, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके डालें, तो उसका टेस्ट आता है सौंधा सा। कच्चे का स्वाद वैसा नहीं आता है, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए रह जाता है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया हुआ था बादाम, उसको मैं अब इस गार्निश करूंगी इसके ऊपर से। और अब मैं गैस बंद कर दूँगी। ये देखिए हमारा हलवा तैयार है, आप इसे ट्राई एक बार ज़रूर करें, और जब आप एक बार इसे बना लेंगे तो इसके अलावा आपको सूजी की और हलवे की कोई रेसिपी बनाने का मन नहीं करेगा। आप बनाएं और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। अगर आपको हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।